अस्सलाम वालेकुम के रिब्यूस न्यूज के साथ मैं हूं मुमिना साजिद। आइए नजर डालते हैं अब तक की ताज़ा तरीन खबरों पर। आईजी इस्लामाबाद मोहम्मद एहसन यूनुस ने पुलिस लाइंस हेडक्वार्टर्स में शहदा के अहले खाना और बच्चों के हमरा अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। आज इस ओहदे पर पहुंचा हूं, वो आपकी दुआओं की बदौलत है। मुझ समेत इस्लामाबाद पुलिस का हर अफसर आपका खादिम है। इस्लामाबाद के शहरियों की जानो माल की हिफाजत हमारी अव्वलिन तरजीहात है। मेरे शहदा के बच्चों की दुआएं हैं कि आज मैं यहाँ बैठा हूँ। मेरे शहीदों के बच्चों की दुआएं जो मैं यहाँ बैठा हूँ, इसीलिए आज मैंने आपको यहाँ तकलीफ दी है। जब तक मैं यहाँ पे हूँ ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं कोशिश करूँगा जी जहाँ पे बच्चों की तालीम हो सकती है उसका पूरा पीछा करेंगे। एक जो स्कूल आपने बदलाने होंगे इंशाल्लाह स्कूल भी बदलाएंगे, अच्छे स्कूलों में जाएंगे, जो बेस्ट पॉसिबल स्कूल है उसमें इंशाल्लाह जाएंगे। रिहाइश ठीक नहीं है, कहीं सरकारी रिहाइशगाह मिली होगी इंशाल्लाह शहीदों को सबसे पहले दे दूंगा। ये आप लोगों ने मेरे पे एहसान किया यहाँ आके, आपकी मेहरबानी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। क्यों? इन शहीदों की, इन बच्चों की बरकत से अल्लाह ताला मेरे लिए आसानियाँ करेगा। तो ये मेरी, इसको मेरी लालच समझ लीजिए कि मैं आपसे मिलना चाहता था। हम किसी भी तरीके से जो हमारे शहीद फैमिलीज हैं इनको नंबर एक पे हमारी प्रायोरिटी है देखना। ये अफसरी, ये इज्जत मुझे मिली ही शहीदों के बच्चों की दुआओं से, मेरा ईमान है ये। और हम पूरी कोशिश करेंगे जो हमारे शहीदों की वेलफेयर है हम उसको पूरी करें। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के अपडेट्स के लिए देखते रहिए KWS न्यूज या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.kwsnews.com। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।